ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। कि जिहड़े बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने इम्तिहान नहीं हो रहे और कैसे अगे प्रमोशन कैसे होएगी वगैरह, असी आज फैसला कर लिता कि 5वीं 8वीं और 10वीं दे कोई इम्तिहान नहीं होने, बच्चे सारे नु पास किया जाएगा। और 12वीं जिहड़ी है वो जो सेंटर गवर्नमेंट की, क्योंकि अद्धे तो ज़्यादा उन्होंने इम्तिहान हो चुके हैं, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, CBSE ICSE जो भी है, वो सारा कुछ उदों असी उहदे बारे तुहानूं दस्सांगे। लेकिन आ मैं ऐलान करना चाहुंदा सी क्योंकि ये सवाल आउंदे रहिंदे ने मेरे कोल, तो जरूरी है कि इस समय ताकि बच्चों को पता होए कि अगे उन्हां दा की बनना है। लेकिन ये जिहड़ा है इहदे विचों कुछ गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ने मैं मेरे कोल अज आईआं ने और अज शुरुआत कीती है, और हर हफ्ते तुहाडे नाल इक दिन मैं लावांगा। सारे जैसे सवाल है कुछ तां मैं दे दिंदा टैलीफोन ते ही, पर जिहड़े बाकी सवाल रह जाते हैं कुछ अहम सवाल मैं समझदा वो थोड़े नाल मैं एक बार हफ्ते जरूर गल कर। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। तुसी देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल।